हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जनता क्रिएशन। मैं आपकी होस्ट और दोस्त शगुन। आज के इस वीडियो में हम कार्तिक मास महात्म्य का 14वां अध्याय सुनेंगे। आइए शुरू करते हैं 14वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास का आज सुनाऊं 14वां अध्याय। श्री हरि कृपा करे श्रद्धा प्रेम बढ़ाए। 14वां अध्याय। तब उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते हुए देख देवता शुद्ध हो गए। उन्होंने देवाधिदेव शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ किया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर ने नारद जी को बुलवाकर देव कार्य की इच्छा से उनको वहां भेजा। शुंभ भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्रादिक देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठ नारद जी को उत्कंठा भरी दृष्टि से देखने लगे। अपने सब दुखों को कहकर उन्होंने नष्ट करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्य राज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहे नारद जी देवताओं को आश्वासित कर जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहां से आ रहे हैं, कैसे आए हैं, मेरे योग्य जो सेवा हो उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहां दक्ष हजार योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहां मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा, तथा यह भी देखा कि वह चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब कुछ स्वर्णमय है। मैंने वहां पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो स्वर्ण सौंदर्य गौर वर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में कोई और नहीं है। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से ही मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुन जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब स्मृति दिखला दी। उसे देख नारद जी जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान तुम ले आए हो और घुलोक पताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्नादि हैं सब तुम्हारे ही पास तो हैं। एरावत, उच्च, श्रव घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। इसमें मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्य राज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम कर पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। नारद जी ने कहा, ऐसा रतन तो कैलाश पर्वत में योगी शंकर के पास ही है। उनकी स्वर्ण सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदरी में किसी को नहीं देखता। उनके इस रतन की उपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। देवर्षि
उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग में चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज के इस अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कथा अगले अध्याय में सुनेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।